हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी फेसबुक पर 1 घंटे के लिए लाइव आए थे और उन्होंने रीट भर्ती परीक्षा और व्याख्याता भर्ती परीक्षा दोनों एग्जामों को लेकर कुछ बातें क्लियर की थी। उनका लाइव सेशन 1 घंटे का था, तो मैं उस जो अपनी एग्जाम है रीट की और व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, उन्होंने क्या बातें कही है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्लियर की है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रीट एग्जाम जो पात्रता परीक्षा है उसका जो सिलेबस है, वो जो पहले सिलेबस था वो का वो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो L1 की बात हो या L2 की बात हो, दोनों में सिलेबस जो पिछली बार था वही सिलेबस रहेगा। क्योंकि ये जो सिलेबस है, जो हम आपको पहले भी बताए थे कि NCTE की गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये सिलेबस बना हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो सेम वो का वो रहने वाला है, रीट एग्जाम का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, आप पिछले सिलेबस को देखते हुए ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो इश्यू चल रहा है 70-30 वाला कि इसको कैसे चेंज किया जाए, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसको अभी क्लियर करना बाकी है कि ये 70-30 का रेशियो रखे या इसको कम किया जाए या कोई दूसरा पेपर, सेकेंड पेपर इसके लिए किया जाए, ये अभी क्लियर करना बाकी है। तो जो पात्रता परीक्षा है रीट की एग्जाम, उसको लेकर तो कोई भी शंका नहीं है। जो एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने के बाद शिक्षक बनने के लिए जो पैटर्न है उसको लेकर अभी डिसाइड होना बाकी है। तो जो पात्रता परीक्षा होगी जिसकी डेट 2 अगस्त को दे रखी है, डेट के बारे में भी क्या कहा है वो भी अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो जो पात्रता परीक्षा है उसमें कोई चेंजेज नहीं है, उसको 60% आप लाकर पास कर लेते हो, उसके बाद भर्ती के लिए आपको शिक्षक बनने के लिए क्या पैटर्न होगा, 70-30 का होगा, 90-10 का होगा, या एक सब्जेक्ट का अलग से पेपर लिया जाएगा या कुछ और होगा, ये उन्होंने कहा था कि ये अभी डिसाइड करना बाकी है। एग्जाम डेट जो है वो उन्होंने कही है कि 3 मई तक तो ये लॉकडाउन है, इसके बाद इस एग्जाम डेट को लेकर भी क्लियर करने वाले हैं कि एग्जाम डेट 2 अगस्त रहेगी, 2 सितंबर रहेगी या इससे आगे होगी। तो एग्जाम डेट को लेकर अभी क्लियर होना बाकी है। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पूरे रेलवे के इतिहास में पहली बार पूरी रेल सेवा, विमान सेवा सब कुछ बंद है, पूरे विश्व में सब कुछ बंद है। तो रीट की एग्जाम भी अगर आगे हो जाती है 1-2 महीने तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबसे बड़ी चीज़ तो रीट की एग्जाम है भी नहीं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पर लॉकडाउन खुल भी जाता है बाद में भी, तो कहीं अगर राजस्थान में 1-2 जगह भी कहीं रह गया, तो जब तक सभी जगह से क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों, मान लो किसी एक क्षेत्र विशेष में भी अगर इस महामारी का प्रकोप जारी रहता है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी एग्जाम देने की अधिकार है, उनको भी एग्जाम देना है, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब तक क्लियर नहीं होगा सभी जगह से तब तक ये एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है 2 अगस्त को एग्जाम ना हो, सितंबर में हो या उससे बाद में हो, तो एग्जाम तो होगी 2020 में ही होगी एग्जाम तो, लेकिन डेट को लेकर अभी क्लियर होना बाकी है। तो दोस्तों, सिलेबस वो का हो वो है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है, सिलेबस वो का वो है। एग्जाम पैटर्न जो है वो अभी डिसाइड होगा, और एग्जाम पैटर्न ये सब बाद की बातें हैं, सबसे पहले तो अपने को तैयारी पे फोकस करना है, रीट की एग्जाम की तैयारी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों, आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत बनानी होगी, जैसा कि सरकार भी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो, सब कुछ शिक्षा ऑनलाइन दी जाए। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन पढ़ने की अपनी आदत बनाएं,
आप घर पर बैठकर पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रीट की एग्जाम पर बनाए रखें। बात करते हैं अब व्याख्याता भर्ती परीक्षा की। तो सितंबर में जो एग्जाम होने वाली थी उसको लेकर अभी 3 मई के बाद डिसाइड होगा कि सितंबर में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा घोषित हो रखी है उसको आगे बढ़ाया जाए या कब होगी, वो होना डिसाइड होना बाकी है। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आप घर पर बैठकर अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही ये महामारी चली जाएगी तो सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी होगी, ये एग्जाम भी होगी, सब कुछ चीज़ें होगी, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप अपनी हैबिट जो है वो ऑनलाइन पढ़ने की बनाएं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ें या कोई भी ऑनलाइन सोर्स आपके पास है वहाँ से आप स्टडी जारी रखें। क्लियर ये हो चुका है कि आपका सिलेबस वो का वो रहेगा, तो सिलेबस में लेकर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब सिलेबस वो का वो रहेगा तो आपको स्टडी करने के लिए एक सिलेबस मिल चुका है, उसको लेकर आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये समय आपके पास पढ़ने का सबसे बढ़िया समय है। तो आप कुछ ऐसी किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी है, राजस्थान बोर्ड है, जिनमें काफ़ी डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है, वो सब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब वो टाइम है कि आप उन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ सकोगे। तो आप घर पर रहे, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं झांक सकते, तो स्वयं के अंदर झांको। स्वयं अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से अच्छी लगेगी। तो आप अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो और स्टडी पर पूरा फोकस रखो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।